किसकी? भक्ति का नाम नहीं है क्या? क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम पहले? हाँ विमला नाम अच्छा नाम है। हाँ देवी का नाम विमला देवी की जय। हरे कृष्ण। हाँ राधा कृपा कटा के स्तोत्र निकाल दो। मुनीन्द्र बृंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न भद्र पंकजे निकुंज भोविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी शशियम कृपा कटाक्ष भाजनी अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांगि कोमले पराभय पुरस्करे प्रभूत संपत तो ग्रंथ पूरा कर ला कथा करी शशिरम कृपा कटाक्ष भाजन अनंग रंग मंगल प्रसंग भांगुर निरंतर वसी कृत प्रतीति नंद नंदनी कदा करी शशिरम कृपा कटाक्ष भाजन हरित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे शारदेन्दु मंडल विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करी शशिरम कृपा कटाक्ष भाजनम मधोर्मदादि यौवनी प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडित अनन्न धन कुंजराज काम के लिए कदा चली शशिरम कृपा कटाक्ष असे सहाव भाव धीर हार भूषित प्रभूत काक कुंभ 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 प्रकाश मंदहास पूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे सदा करे शशिरम कृपा कटाक्ष भाजन मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग गोलते रथाग्रलास लोर नील लोचनावलो लाल लनिल मनोज मुग्ध मोहनाशिते कदा करी शशिरम कृपा कटाक्ष भाजन सुवर्ण माली काशित त्रिरेख तंबु कंठके त्रिभूत मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति तलोर नील सुंदर प्रसन्न गोत गोपिते कदा करी शशिरम कृपा कटाक्ष भाजन नितंब बिंब लम्बमान पुष्प मेघराधुनी प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप माधव हरिन्द्र सुंद दंडिका वरोह चौव गौरुते कदा करी शशिरम कृपा कटाक्ष भाजन अनेक मंत्र नाद मंजनोपुर
बोलो बोलो मेरे बाके बिहारी Yeah.
ज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोतर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री ब्रज मंडल की परिक्रमा की कथा सुन रहे थे। कल हमारी परिक्रमा जहाँ जाएगी उस स्थान का नाम है राम घाट। हम लोग रोज भजन गाते जय राम घाट जय रोहिणी नंदन
जय जय वृंदावन वासी जत जन। हम रोज ये भजन गाते हैं। कदि राम घाट कौन सा स्थान है, बोले भगवान श्री बलराम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब उद्धव जी ब्रज से वापस आए और कृष्ण को उन्होंने सारी बात सुनाई। जब उद्धव जी ब्रज में जा रहे थे, इतने में उद्धव जी बोले, कन्हैया मैं तेरे को तो छोड़ करके रह ही नहीं सकता हूँ, मैं कैसे तेरे को छोड़ करके रहूँगा। इतने में कृष्ण ने कहा, देख उद्धव, जब तुम वृंदावन में जाओगे ना, मेरे को भूल जाओगे। मैं तो 1% यहाँ रहता हूँ और 99% में वृंदावन में रहता हूँ। सचमुच से उद्धव जब ब्रज में गए और ब्रज की भक्त लोगों से मिले और भक्तों का भाव को कृष्ण के प्रति दर्शन किया ना, वो 6-6 महीना रह गया, वो भूल गया, वो भूल गया ना वृंदावन है। लेकिन जब बड़े कष्ट से वो आए, वहाँ से जब आए और ब्रजवासियों का विरह को देखा, ब्रज गोपियाँ कैसे कृष्ण विरह में मूर्छित होकर पड़े हुए, सारे पेड़ कैसे मुरझा हुआ है कृष्ण विरह में, और ब्रजवासी इतने रो रहे थे कृष्ण विरह में, उनका आँखों का आंसू बहते हुए परंडला में बह करके यमुना में मिल रहा है, उनकी विरह को देख करके ना, और विशेष करके राधा रानी की विरह को देख करके, बोले भैया कन्हैया को तो आनी चाहिए ब्रज में। इसलिए जब उन्होंने वापस आए तब कृष्ण को बोले, कृष्ण एक बार तू जा, हम लोग तो गए बलदेव प्रभु श्री उद्धव, मैं तो गया लेकिन मैं तेरे गोपियों को, बलदेव प्रभु गोपियों को सांत्वना नहीं दे पाया, वो तेरे बगैर उनको कोई सांत्वना नहीं दे सकते, तू एक बार जा। हाँ कृष्ण, हाँ हूँ करते हैं, रोते हैं थोड़ी सी लेकिन जाते नहीं। एक दिन बलदेव प्रभु स्वयं गए, जा करके नंदबाबा का गोद में बैठी गए, मैया जसोदा की गोद में बैठी गए, और उन्होंने अपना जो गोपियाँ थी उनका साथ में उन्होंने रास किया। लेकिन जब रास किया, इतने में गोपियों को प्यास लगी, तब बलदेव प्रभु को गले बोले, प्रभु हम पानी पीना चाहते हैं, पास में यमुना नदी बह रही थी। इतने में बलदेव प्रभु यमुना को आदेश दिया, मेरे गोपियों का तृष्णा है, तुम आकर के इनको थोड़ा पानी दो। लेकिन वो यमुना नहीं आई। जब यमुना नहीं आई, बलदेव प्रभु को बड़ा क्रोध आया, बलदेव प्रभु उठाया हाल और उन्होंने ऐसे पकड़ करके ऐसे उन्होंने यमुना को खींचे, इसलिए वहाँ स्थान को कहते हैं उझाना। बाक एंचा बड़दाऊ, उन्होंने ऐसे यमुना को पकड़ कर खींच लिए, इसलिए यमुना ऐसे बहते हुए जा रही थी। लेकिन बलदेव प्रभु जब उन्होंने खींचे ना, एकदम ऐसे यमुना आकर के फिर उल्टा फिर बहने लग गई हैं। इसलिए वहाँ पर श्री बलदेव प्रभु का पराक्रम अभी भी देखने को मिलता है, यमुना कैसे टेढ़ी होकर के आई और कैसे गई है। इसलिए वहाँ पर जहाँ पर श्री बलदेव प्रभु गोपियों के साथ में रास रचाया था, उस स्थान का नाम पड़ गया राम घाट। कौन कौन गए हो? गए हो राम घाट में? गए राम घाट में, हाँ। इसलिए वो वहाँ श्री बलदेव प्रभु का रास स्थली, इसलिए वहाँ पर श्रीमन नित्यानंद प्रभु आए थे। अभी भी एक चबूतरा वहाँ पर है जहाँ पर श्री बलदेव प्रभु वहीं पर बैठे हुए थे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु वहाँ पर आकर के बैठे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु भी वहीं पर आकर के बैठे थे। इसलिए कुछ कुछ लोगों का प्रश्न होता है, ये यमुना कौन है? कहती है कृष्ण की पटरानी। किसकी पटरानी? कृष्ण की। ये कृष्ण की सखी भी एक स्वरूप में, ये यमुना नदी भी कृष्ण का सखी। अगर कृष्ण की सखी हो, प्लस कृष्ण छोटे भाई, दाऊ भाई आप बड़े, कृष्ण छोटे हो गए, ये छोटे भाई की ये पत्नी है, इनकी सखी। और हमारे देश में कहते हैं ना जेठ, जेठ लगता है ना, जेठ को सामने छोटे भाई का जो पत्नी पर्दा करती है, करती कि नहीं? फिर जो पर्दा करती हैं, फिर बलदेव प्रभु ने फिर ये यमुना जो कृष्ण की प्रिया, फिर उनको खींचे गए से उन्होंने। कुछ कुछ लोगों का प्रश्न है खींचे गए से, बोले उन्होंने जो यमुना को खींचे, लेकिन वो यमुना का एक स्वरूप नहीं, यमुना की बहुत सारी स्वरूप है, कालिंद की बहुत सारी स्वरूप, कालिंद की एक एक कालिंदी है, जितने सारे नदियाँ देखना वो जाकर के सब समुद्र में जाकर के मिलती हैं। इसलिए उन्होंने जिनको खींचा है, उन्होंने श्री कृष्ण का जो सखी जो कालिंदी उनको नहीं खींचा, जो समुद्र की जो पत्नी थी कालिंदी, उन्होंने उनको ही वहाँ पर खींचे। अभी भी वो स्थान,
उसको बाद में फिर हम जाते हैं, जल्दी जल्दी हम कथा सुन लेंगे। कहते जाते हैं बिहार वन है, जहाँ पर कृष्ण सखाओं को साथ में विहार किया था, जहाँ पर सखाओं को साथ में सुंदर सुंदर जहाँ पर वहाँ पर लीलाएं कृष्ण करते थे, वहाँ पर बड़े सुंदर वहाँ पर कुंड है, जिस कुंड का नाम बिहार कुंड, जिस कुंड का नाम है वहाँ पर। कहते अभी भी अगर वहाँ जाएंगे आप देखोगे एक तमाल वृक्ष एक कदम वृक्ष, एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष। तमाल वृक्षों को क्या मानते हैं, कहती है जैसे कृष्ण काले ये तमाल वृक्ष भी काले हैं, और जो कदम वृक्ष जैसे राधा रानी गोरी, आप देखोगे कदम वृक्ष भी गोरे, एक अभी भी वहाँ पर एक तमाल और एक कदम, एक तमाल एक कदम, मानो वहाँ पर भगवान की सुंदर वहाँ पर ठाकुर जी ने रास उन्होंने रचाए थे वहीं पर। इसलिए उन्होंने कृष्ण वहाँ पर विहार किया था, इसलिए उस स्थान का नाम बिहार वन नाम पड़ा। उसको पास में एक खेलन वन है, जहाँ पर कृष्ण राधा रानी को साथ में जहाँ पर खेलते थे। जब खेलते थे अभी राधा रानी का जो सास और ननद थी, सास का नाम जटिला और कुटिला, क्या नाम जटिला कुटिला, अब जानते हो सात ननद कितना तेज होते हैं, इसलिए हाँ इसलिए सास ननद कितना तेज है, इसलिए ये जोग माया ने है कहते ये जोग माया ने ये सब चीज उन्होंने जान बुझ कर सृष्टि किया। क्यों, अगर राधा रानी को साथ में कृष्ण का आसानी से मिलन हो जाएगा ना, फिर इनके अंदर में मिलन की उत्कंठा खत्म हो जाएगी। इसलिए जोग माया ने किया कि कृष्ण को साथ में राधा जी की शादी नहीं की। एक स्थान है जाबट, क्या नाम है जाबट, वहीं पर उन्होंने कृष्ण के एक परछाया जिसका नाम था अभिमन्युवा आयना घोष, उसको साथ में जोग माया ने वहाँ शादी कर दिए। इसलिए उनकी जो पिता माँ और बेटी का नाम थी बहन का, एक जटिला और कुटिला। जटिला मतलब क्या, जो जट पकाना बिना कारण से, कुटिला मतलब कुटकुट कुटकुट करना हर समय है, इसलिए बिना कारण से कुटकुट करना, इसलिए कारण किया। और उसका जो पति उसका नाम अभिमन्यु, अभिमन्यु मतलब होता है वृथा अभिमान है, वृथा अभिमान। इसलिए कहते ये जटिला कुटिला ना हर समय राधा रानी का नाम पर बदनामी क्या करती थी, ये क्या करती हैं दूध दही बेचने का बहाना बना करके ये जा करके कृष्ण को साथ में मिलती हैं, कृष्ण को साथ में खेलती हैं, ये था हमारी घर की बहू है, पर कृष्ण को साथ में क्यों खेलेगी, वहाँ क्यों क्रीड़ा करेगी, हर समय राधा जी का नाम पर बदनामी बदनामी हर समय रटाया करती थी। एक दिन राधा रानी बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने कृष्ण को बोले, बोले देख कृष्णा मैं आपको साथ में लीला करती हूँ, मेरे जो सास ननद है ना हर समय कुटकुट 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 करते रहते हैं और हर समय जट पकाते रहते हैं, हाँ जट पकाती रहती हैं और मेरे नाम पर बड़े बदनामी करती है, दोचारिणी है, चरित्रहीनी है। तब कृष्ण ने कहा देखो राधे तुम कोई चिंता मत करो, पूरा ब्रजमंडल में मैं तेरे को स्थापन कर दूंगा, अगर ब्रज में कोई सती नारी हो तो केवल श्री राधा रानी, ये चीज को मैं स्वयं स्थापन कर दूंगा, तो कोई चिंता मत करो। इतने में कृष्ण ने क्या किया, सर दर्द और बुखार का उन्होंने लीला अभिनय किया। अभिनय किया तो नंद बाबा ने वैद्य बुलाए, डॉक्टर बुलाए, लेकिन डॉक्टर कोई दवा काम नहीं किया। इतने में जो जोग माया कौन है, जो राधा कृष्ण का सारे लीलाओं को जो जोड़ने वाले, सब उनकी लीलाओं को जो करने वाली, ये जोग माया पौर्णवासी। इसलिए यहाँ पर कोई भी ब्रज में कोई परामर्श हो, शादी फादी कोई कुछ हो ना, ये पौर्णवासी से सबके सब सलाह लेते हैं, हैं इनसे सलाह लेते हैं। इन्होंने पौर्णवासी से पूछा अभी क्या किया जाएगा, अभी कृष्ण का बुखार नहीं उतरता है, बोले इनके बुखार उतर सकता है। बोले कैसे, बोले अगर ब्रज में कोई सती नारी हो, एक कलसी होगा जिसमें जिसमें 100 छेद वाले एक कलसी होगा, जो केवल सती होगी वही स्त्री ही वो कलसी में जमुना से पानी भर कर ला सकती, सब नहीं ले सकती, सबको द्वारा ये काम, जो केवल सती है वही केवल ही पानी भर सकती हैं और कोई नहीं पानी भर सकती हैं। अगर वो पानी भर करके लाए और वहाँ पर श्री राधा रानी को स्नान कराया जाए, बुखार सही हो गया, अभी पूरा ब्रज में हल्ला हो गया। हाँ श्री पौर्णवासी जोग माया ने आदेश दी है ब्रज में जो सती नारी होगी वही केवल जिसमें
सौ छिद्र कलश में वही केवल पानी भर सकती। अभी तो सब कांपने लग गए, भैया सती कौन है अभी, हैं कौन सती जो कि पानी भर करके लाएगी। इतने में जटिला कुटिला को बोले, सास और उनकी जो ननद थी, बोले तुम तो कहती रहती हो ब्रज में हम ही सती, राधा रानी असती, हम ही सती, पहले तुम जाओ, तुम पहले कलश में पानी भरो। इतने में जटिला कुटिला जब गए और जमुना में डुबाया ना कलश, और जो उठाया ना, और सारे पानी निकल गया, सारे पानी निकल गई। बोले ये सबसे बड़े असती है, जटिला कुटिला सबसे बड़े असती, और कोई डर के मारे वहां पर कहीं गए नहीं। इतने में बोले फिर कौन जाएगा, फिर लास्ट में राधा रानी को पास में सबके सब आए। राधा रानी बोली मैं तो असती हूँ, जटिला कुटिला सास ननद मेरे नाम पर पूरा ब्रज में ढिंडुला पिटा रहती है, मेरे जो बहू है असती है, दुचारिणी है, इसलिए मैं बोले तुम ही कर सकती हो। इतने में से राधा रानी आई, आ करके कृष्ण को स्मरण करते हुए बोले हे कृष्ण, अगर मैं कभी तेरे सिवाय अगर मैं और किसी को नहीं जानती हूँ, फिर तो एक बूंद भी पानी कलसी से गिरेगा नहीं। तो उन्होंने श्री कृष्ण को एक मन से ध्यान करते हुए जब जमुना में उन्होंने डुबाए और जब उन्होंने उठाया ना कलसी में, एक जिसमें सौ छेद वाले छेद ही छेद है, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। जितने ब्रजवासी थे देख करके बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की। फिर तो पूरा ब्रज में उसी पानी से कृष्ण को स्नान कराया गया, पूरा ब्रज में हला हो गया। अगर ब्रज में कोई सती हो तो कौन है, केवल श्री राधा रानी। हाँ देखो सती कौन है, जैसे शास्त्र में पांच सतियों का नाम आया, किसका किसका, एक मंदोदरी, अहल्या, तारा, कुंती और द्रौपदी। लेकिन अब देखोगे इनकी कुंती की कितना पत्नी थे, पति थे, इनका तो सूर्य से तीन चार पांच पति, किसकी, कुंती की, हैं, क्योंकि अलग अलग से उनकी संतान हुआ। द्रौपदी का कितना पति थे, पांच, और मंदोदरी की दो, एक रावण और एक विभीषण है, और तारा की एक है सुग्रीव और एक बाली, सुग्रीव और एक बाली। इसलिए कहते इनको ही कन्या बताया गया, इनको क्या बताया गया, इनको कन्या बताया गया है, इनको ये बताया सती, इनको नाम बताया गया। बोले कारण है ऊपर से तो जो पति थे पति थे, लेकिन इन लोगों ने जो ऊपर से जो पति को सही पति नहीं माने, उनने श्री भगवान भगवान को ही इन लोगों ने अपना पति माने। किसको पति माने, भगवान। इसलिए जो असली जो पति, पति मतलब किया, प मतलब पालन करना, ती मतलब जो त्राण करते हैं, हमें जो संसार में पालन करते हैं, और भवसागर से जो हम तार देते हैं, ये पति है। इसलिए असली पति कौन है, भगवान कृष्ण। अब ब्रज में एक चीज देखोगे, यहाँ पर जब कोई विधवा हो जाती है सफेद कपड़ा पहनते हैं, इधर नहीं पहनते ना, नहीं, इसलिए हमारे देश में बंगाल उड़ीसा में जब कोई विधवा हो जाती है ना, वो सफेद कपड़ा पहनती है। लेकिन हमारी जो ब्रज में है ना, कोई सफेद कपड़ा नहीं पहनती, वो शादी का समय में जैसे कपड़ा फपड़ा पहनती थी, विधवा के बाद में भी वही कपड़ा पहनती है। बोले कारण क्या, बोले कारण है उन्होंने जो कृष्ण को ही अपना पति, कृष्ण को ही मानते, हमारा असली पति तो कृष्ण ही है। इसलिए कहते ना, ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जुसो जो चुड़ल अमर हो जाए। इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की गोपी बना दो, हैं। इसलिए कहते वहाँ पर एक खेलर बने हैं, जहाँ पर कृष्ण राधा रानी को साथ में वहाँ खेलते थे, और थोड़ी दूर जाने पर वहाँ पर एक तपोवन है, तपोवन उसको कहते हैं जहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी। कृष्ण हमारी, हमें प्रियतम रूप में कृष्ण हमें प्राप्त हो, इसलिए उसका नाम तप है, इसलिए कहते तपोवन, एकदम जमुना किनारे में वो स्थान, उसका पास में एक रणस्थली है। रणस्थली मतलब है एक समय कृष्ण सखाओं को साथ में खेल रहे थे,
जब खेल रहे थे इतने ललिता विशाखा सखियां आई, बोले क्या कर रहे हो यहाँ पर सखाओं को, बोले मल्ल युद्ध हम कर रहे हैं। बोले मल्ल युद्ध, ये वीर पुरुषों का काम मल्ल युद्ध, तुम कहाँ गैया को पीछे डोलने वाले ग्वाला, तुम क्या मल्ल युद्ध जानते हो। बोले बहुत बड़े बड़े बात करते हो, हमारे जो खलीफा है ना, लीडर है, ये कृष्ण है। इतने में ललिता विशाखा होने का जानते हो हमारे लीडर कौन है। बोले श्री किशोर जी राधा रानी, हो जाए दोनों में मल्ल युद्ध हो जाए। हैं इतने में वहाँ पर महफिल था, वहाँ पर हैं जहाँ पर कुश्ती लड़ते हैं। बोले ठीक है, तुम्हारी जो खलीफा मेन और हमारी लीडर में आज मल्ल युद्ध होगा। इतने में कृष्ण खड़े हुए थे, हैं अपना महफिल में खड़े हुए थे। कृष्ण जब राधा रानी का नाम सुना, हे राधा रानी तो अभी तक कुंजे से आई नहीं, राधा रानी का नाम सुने तो ना कृष्ण कांपना शुरू हो गए। कृष्ण इतने में कृष्ण का जो मधुमंगल श्रीदाम थे, बोले अभी उनका जो लीडर आया नहीं, तू उनका नाम सुन दे कांप रहे क्यों। अरे ठीक से खड़े रहो, अगर तू हार गया ना हमारे नाक कान कट जाएगी, फिर हमारी बदनामी होगी। भैया हारना नहीं जीतना है। कृष्ण बोले पता नहीं, राधा रानी का नाम सुनते ही ना मेरे शरीर कांपना शुरू हो जाता है। हैं इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट सपीत वसनम ब्रजराज सुन। मतलब है अगर राधा रानी एक बार अपना तिरछे चित्त बनने से कृष्ण को देख लेना, कृष्ण का जो बंसुरी गिर जाती है, वस्त्र गिर जाती है, मयूर पंख, कृष्ण खुद भी गिर जाते हैं। ऐसे राधा रानी की प्रेम है। इतने में सखा ने बोले कन्या एकदम ठीक से खड़े रहो, हारना नहीं तो हमारी बदनामी होगी। इतने में राधा रानी जब कुंज से निकली, है जब कुंज से राधा रानी निकली और कृष्ण को एक बार केवल तेरछे चित्तवन से देखा, वो तेरछे चित्तवन नहीं, वो था क्या, वो तीर था, मानो कृष्ण की छाती में भेद करी, इस पार से उस पार हो गया। कृष्ण लड़ेंगे क्या, राधा रानी तो निकलते ही कृष्ण वहीं पर गिर पड़े। हाँ वहीं पर कभी गिर पड़े, जब गिर पड़े इतने में जितने सखियां थी ना राधा रानी के सब जोर से ताली बजाए सबके साथ, हैं कहते यहाँ पर एक बार हुई। दूसरा बार क्या हुई, कृष्ण और राधा रानी में कभी मल्ल क्रीड़ा हुई। अब मल्ल क्रीड़ा में इतने में राधा रानी कृष्ण को पछाड़ दी। जब कृष्ण को पछाड़ दिए, पछाड़ देने पर क्या होगा, पीठ अगर लग गया नीचे वो हार जाता है। इतने में राधा रानी ऊपर में, कृष्ण नीचे। इतने में जितने हैं अभी जितने सब सखियां थी ना जोर से ताली बजाई सबके सब जोर से, बोले श्रीमती राधा रानी की। अब कोई ताली बजा नहीं रहो, अब कृष्ण को क्यों करना था। इसलिए उन्होंने खूब जोर से ताली बजाई। जब ताली बजाई इतने में कृष्ण कहते क्यों ताली बजा रहे हो, बोले तुम हार गया ना, तेरे पीठ नीचे लग गया। बोले क्या पीठ नीचे लग गया, बोले किसका नाक ऊपर किसका है, देखो हम कहते ना नाक तुम्हारा नीचा कर दूंगा, अभी किसका नाक, अभी कृष्ण ऐसे गिरे हुए राधा रानी कृष्ण ऊपर में, राधा रानी का नाक नीचे, कृष्ण का नाक ऊपर में। बोले नाक किसका ऊपर, देखो हमने नाक राधा रानी का नीचे कर दिया, देखो हमारा नाक ऊपर में। इतने में हैं जब बोले जितने सखा लोग था ना वो जोर से ताली बजाए, बोले कृष्ण के निया लाल की। इसलिए वहीं पर वहाँ मल्ल क्रीड़ा जहाँ पर हुई है अभी वहाँ पर सब स्थान है, हैं वो मल्ल क्रीड़ा का स्थान है। ऐसे ही कृष्ण ब्रजमंडल में बड़े प्यारी प्यारी ठाकुर जी लीला की, उसको बाद में चीरहरण घाट है जहाँ पर ब्रज गोपियाँ एक महीना तक जहाँ पर कठोर तपस्या की। जैसे आप लोग सवेरे उठ करके आती है ना, गोपियाँ भी यही काम करती थी, सवेरे सवेरे कार्तिक महीना में आ रहे हो, कार्तिक महीना के बाद में हेमंत महीना में माघ मास में ब्रज गोपियाँ कितने साल की उम्र, कहते 3-5 साल, इससे ज़्यादा उम्र की किन कोई नहीं थी। इसी उम्र की गोपियों ने एकदम सवेरे सवेरे उठ जाती थी, उठ करके सब गोपियों को अपना घर घर से बुला लेती थी, बुला करके वहाँ पर रेतियों की मूर्ति बनाया करती थी कात्यायनी की। और एक मंत्र है, बोले कात्यायनी महामाये, बोलो सबके सब, देखो ये जो मंत्र है ना ये मंत्र दो काम करेगा। ये पहला काम तो करेगा, इसको अगर ठीक ठीक से कोई जप करे, कृष्ण को पूजा करे ना, कृष्ण पति रूप में मिलेंगे। लेकिन इसी जगत में जिन कन्याओं की शादी नहीं होती हैं, हाँ शादी के लिए दिक्कत होता है, कहते अगर ये मंत्र को पढ़ करके, क्योंकि ये मंत्र ये कल्प तरु जैसे मंत्र है, ये कात्यायनी इनके मंत्र पढ़ने से पूजा करने से फिर उनको जल्द जल्द जगत में शादी भी हो जाती है।
ये मंत्र दो काम करती है, लेकिन हम तो केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण ही हमारी जन्म जन्मांतर में भगवान ही कृष्ण हमारे प्रियतम बने, इसलिए कात बोलो मेरे पीछे पीछे बोले कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति मे कुरुते नमः। इसलिए इसी मंत्र से गोपियों ने कठोर उन्होंने एकदम दिन में एक बार हविसार न खाती थी, सारा दिन कृष्ण कीर्तन करती थी, कृष्ण चिंता में डूबी रहती थी दिन भर, और वहां पर धूप दीप नैवेद्य को द्वारा भगवान को पूजा करती थी। वहां पर हमारे कवि कर्णपुर धूप का क्यों धूप देते थे, दीप क्यों देते थे, भगवान का आरती क्यों उतारते थे, नैवेद्य क्यों देते थे, तेल क्यों लगाते थे, उसका एक एक रहस्य वहां पर कवि कर्णपुर ने बड़ी रहस्य की बात बताई। जब उन्होंने उपासना की, इन लोगों ने कितने उम्र के, 3, 5, 6 साल, उससे ज्यादा उम्र नहीं है, हैं? अभी यहाँ प्रश्न होता है, आप बताओ 5-6 साल लड़कियों के अंदर में पति क्या चीज, इनके अंदर में क्या भावना होती है पति क्या, जब बड़ी हो जाती हैं, हैं? तब भी उनको पति पति पचार चलता भैया शादी करनी चाहिए, तो इतने कम उम्र में इनके अंदर में भावना कैसे आई, बोले ये कोई साधारण नहीं थी, ये पूर्व जन्म में कुछ श्रुतिचरी, श्रुतिचरी मतलब वेद का जो मंत्र, उन्हें कठोर तपस्या की, वेद मंत्र मूर्ति रूप लेकर के भगवान की, भगवान जब संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो, बोले कृष्ण को अपना पति रूप में गोपी भाव से प्राप्त करना चाहते, बोले ये नहीं हो सकता है, और कोई मांगो, बोले नहीं हमको केवल यही चाहिए, तो भगवान वरदान दिया, वही वेद का मंत्र ही ये एक एक गोपी रूप धारण की। और कुछ ऋषिचरी, ऋषिचरी मतलब भगवान राम जब दंडकारण्य में गए, बड़े बड़े ऋषि लोग जटाजुटधारी ऋषि गोपाल मंत्र में उपासना कर रहे थे, लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हो रही थी, हैं? लेकिन राम को देख करके, राम श्याम एक ही है, अभी राम को देख कर श्याम को याद आया, उन्होंने राम को पति रूप में प्रार्थना किया, बोले नहीं ये अवतार में सीता के सिवाय में और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ। वो जो ऋषि लोग थे मंत्र गोपी, और जिस समय भगवान राम गए थे जनकपुरी में, वो जनकपुरी में जितने सबके सब सीता जी की सहेलियां थी, राम को रूप देकर मुग्ध हो गई, पति रूप में प्रार्थना की, बोले सबके सब द्वापर युग में आओ। जब सीता को रामचंद्र त्याग दे दिए, हर साल एक सीता बनती थी असमध यज्ञ के लिए, लेकिन उनको प्राण स्थापन करते थे, साक्षात सीता बन जाती थी, इतना गई कहाँ, ये सब के सब गोपी बन करके आए, ये कोई लड़कियां नहीं, पूर्व जन्म में कठोर तपस्या करके ये सब के सब गोपी बन करके आए, और इन लोगों ने कठोर तपस्या की। जब जिस दिन उनका व्रत पूरी हुई, उसी दिन उन्हें ललिता विशाखा राधा रानी इनको लेकर के आए, भगवान इनके वस्त्र हरण किया, वस्त्र हरण करते स्त्रियों का मूल लज्जा, स्त्री का मूल लज्जा, लेकिन इन लोगों ने सारे लाज लज्जा परित्याग करके कृष्ण के चरण में, इन्होंने संपूर्ण रूप में कृष्ण चरण में शरणागत हो गए, शरणागत हो गए तो भगवान संतुष्ट हो गए। फिर भगवान इनको शरद पूर्णिमा में रास में ठाकुर जी इनको निमंत्रण दिया, जहाँ पर वृंदावन गए हो, कौन 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 वृंदावन गए, इसलिए वहां पर देखना कि चीरघाट, हमारे मंदिर के पास में चीरघाट, वो जो चीरघाट है वो दूसरे कल्प में चीरघाट है, लेकिन अभी जो द्वापर युग गई है, अभी जो अभी जहाँ पर कृष्णा चीर चुराए थे वो वहां पर है, बहुत दूर है, पता नहीं अब लोग गए हैं कौन, गए वहां पर, इसलिए वहां पर जो असली द्वापर का चीरघाट वहां पर है, अभी भी वहां पर स्मृति रूप में है, इसलिए चीरघाट के बाद में फिर हम जाते हैं वत्सवन। वत्सवन वह है जहाँ पर ब्रह्मा जी, पहले आप लोगों ने सुने कृष्ण का बछड़े सखाओं को चुराया, जब ब्रह्मा तो सोच रहे तो कोई साधारण बालक है, लेकिन जब उनको पता चला यही परात्पर परम ब्रह्म तत्व, तो उन लोगों ने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खूब श्लोक गाए, भगवान को बहुत श्लोक में स्तुति किए, लेकिन भगवान तो सखाओं को साथ में खेल रहे थे, हैं? और एक सखा को गल बहनिया देकर खेल रहे थे, सखा ब्रह्मा स्तुति को पर स्तुति कर रहे थे, ब्रह्मा कृष्ण का जो सखा लोग थे ना, वो चार मुंह वाले था, बोले भैया चौमुहा चौमुहा, मतलब चार मुंह वाले कहाँ से आ गए, ये अजीब सा प्राणी कहाँ से आ गया,
हमने देखा एक सर्व था, इसका चार सर कहाँ से हो गया, इसलिए उस स्थान का नाम है चौमुहा और उस स्थान का नाम सई। सई नाम क्यों पड़ा, उन्होंने बछड़े सखाओं को, अभी भी वो गुफा है जिसमें ब्रह्मा जी बछड़े सखाओं को चोरी कर रखे थे, अभी वो गुफा वहां पर है जिसमें उन्होंने बंद करके रखा था है। इसलिए जब ब्रह्मा जी एक साल के बाद में आकर के देखा कृष्ण एक साल पहले जैसे बछड़े सखाओं को चरा रहे थे, अभी भी तो चरा रहे हैं, लेकिन मैंने जिनको लेकर गुफा में बंद किया ये फिर कौन है, फिर जाकर के देखा नहीं वो तो सबके से मोह निद्रा में सोए हुए, इधर देखा यहां भी कृष्ण लीला कर रहे हैं, ब्रह्मा तो फाफड़ में पड़ गया ये क्या चीज देख रहा हूं। फिर उनका चार सर है, इधर दो सर और इधर दो सर, जब एक साथ में उन्होंने देखा बोले भैया जय सही, ये सही ना ये सही, ये सही ना ये सही, इसलिए उस स्थान का नाम सही नाम पड़ गया है, हैं? अभी भी वो गुफा है, इसलिए कल हम लोग वहां पर जाकर के वो सब लीला स्थान को जाएंगे जहां पर ब्रह्मा जी भगवान को बहुत स्तुति की। जब कृष्ण संतुष्ट नहीं हुए बोले कृष्ण को तो मैंने इतने स्तुति करके देख लिया, अभी थोड़ी सी उनका भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। फिर जब उन्होंने बताए अहोति धन्या ब्रजोग रमन्या, बोले ब्रजवासियों का क्या महिमा गाएंगे, ब्रज का जो सखा और जो ब्रज का जो माताएं, ब्रज के जो माताएं और ब्रज के जो गैया है, ये क्या पुण्य किया है, क्योंकि कृष्ण सखा बछड़ा बन गए। आप लोगों ने यहाँ पर देखे होंगे बछड़ा जब दूध पीता है, देखो किसने दूध पीते हुए, बछड़ा जब दूध पीता है ना पूछ खड़े करके है, इतने प्रसन्न से उसका माँ चाटती रहती है और पूछ खड़े करके स्तन में अपना सर को मारते हुए कितने खुश होकर बछड़ा दूध पीता है। कृष्ण स्वयं बछड़े बनकर किसका दूध पिए, गैया का दूध पिए हैं। अब बच्चे जब माता का स्तन पान करते हैं, अब देखे होंगे बच्चे जब माता का स्तन पान करते कितने खुश होकर पान करते हैं, बोले कृष्ण स्वयं बच्चे बने। इसलिए ब्रह्मा ये कह रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग को, मैं भी भगवान को इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 करता हूँ, भगवान उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये बछड़े सखा बन करके कहते इन लोगों ने इसे कौन सा पुण्य किया, कृष्ण के गैया और माताएं क्या पुण्य किया, कृष्ण बछड़े बन करके इनकी स्तनपान की हाँ ये लोगों ने क्या पुण्य किया। फिर दूसरे श्लोक में, पहला श्लोक में अहो, लेकिन दूसरे जब श्लोक बोलते हैं ना अहो भाग्यम दूसरे श्लोक में अहो अहो दो बार, बोले दो बार क्यों बोले, जैसे कोई हम आश्चर्य चीज देखते हैं ना हम कहते क्या आश्चर्य है क्या आश्चर्य है, क्यों कहते कृष्ण कौन, बोले पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी उनने क्या किए, उन्होंने किसका सखा बन गए, किसकी किसकी बच्चे बन गए, किसका प्रियतम बन गए ब्रज में, इन लोगों ने क्या उन्होंने सौभाग्य किया। जब इतना बोले ना कृष्ण थोड़ी से मुस्कुरा दिए, ब्रह्मा को पता चला भगवान का कमजोर कहाँ पर, मतलब क्या देते हैं, अगर मुझे कोई संतुष्ट करना चाहते हो मेरे सेवा से मेरे स्तुति से मैं जितने खुश होता हूँ, अगर मेरे भक्तों का सेवा मेरे भक्तों की अगर कोई स्तुति कर से मैं ज़्यादा उसमें प्रसन्न होता हूँ। ठाकुर जी ये सिख्या दिया, ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी तीन बार परिक्रमा करके भाग गए वहाँ से, बोले भैया जब तक रहूँगा भगवान की लीला में व्याघात पड़ेगा, हम कल वो स्थान दर्शन करने के लिए वहाँ भी जाएंगे। फिर उसको बाद में गौरव गोविंद है जहाँ पर कृष्ण सखाओं को साथ में खेला करते करते कभी श्रीधाम के साथ भय से हो गया, कृष्ण ने कहा श्रीधाम तेरे को पता है, बोले हाँ पता है, भाई तुम मक्खन चोर घर घर में चोरी करते हो, हमारी सखा है हमारी दोस्त हो, बोले तुम लोग ग्वाल वाल तुम लोग को मेरे को क्या जानते हो, मैं वही सत्य युग में नारायण जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए हैं, जिनकी मत्स्य कुर्म बराहो ये हर युग युग में मैं वेद उदाहरण करने के लिए पृथ्वी उद्धार के लिए राक्षस उद्धार करने के लिए मैंने जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान, मैं ही हर युग युग में अवतीर्ण होता हूँ। सखा लोग तो कृष्ण का अपना सखा मानते दोस्त मानते, बोले कृष्ण तू डीग हाँकते रहते हो कोई काम धाम है नहीं, हाँ मैं भगवान अरे तेरे को साथ में मैं जब कुश्ती लड़ता मैं तेरे को पछाड़ देता हूँ और तू भगवान कब हो गया है तो भगवान को, इतने में बोला देखोगे, बोले क्या देखोगे, लेकिन सखाओं को पता है कृष्ण कभी कभी बीच बीच में कोई चमत्कारिता दिखा देते हैं, बोले क्या देखोगे, बोले अभी दिखाता हूँ,
इतने में भगवान कृष्ण उन्हें झट उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, 12 भुजों को ठाकुर ने प्रकट किया। जब प्रकट किया इतने में जो श्रीदाम था ना वो गरुड़ बन गए और कृष्ण उनको पीठ के ऊपर बैठ गए, बैठ करके वहां पर उन्होंने घूमे थे, इसलिए उस स्थान का नाम है गरुड़ गोविंद। अभी भी उन गरुड़ के ऊपर में ठाकुर जी अभी भी वहां बैठे हुए हैं, अद्भुत दर्शन है। और वहीं उसका नाम है छठीकरा। जब कृष्ण ब्रज में जब जमला अर्जुन को तोड़ दिए, इतने में ब्रजवासी मीटिंग किए, बोले और हम गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? बोले पहले तो दैत्य लोग ही हाथ धो करके कृष्ण को पीछे पड़ गए थे, अभी पेड़ अपनी आप टूट करके लाला के ऊपर गिरने लग गया, चलो हम और कहीं चले जाते, कहाँ चले जाए। फिर उन लोगों ने ये छठीकरा में आए हैं, जहाँ पर छठी की पूजन की थी। और छठी मतलब होता है सकट, सकट मतलब होता है बैलगाड़ी। जब वहीं पर आए तब वो लोग थे ब्रजवासी ग्वाला सबके सब, सबके सब क्या करते थे, उसका नाम ब्रज, ब्रज मतलब क्या, ब्रज गतऊ, एक जगह पर रहे, अगर वहाँ पर घास फास खत्म हो गया ना फिर उसको छोड़कर और चले जाते थे। इनका जो मूल होता था कहीं तो अपना मकान बना कर रहते थे, नहीं तो कहीं बड़ी बड़ी बैलगाड़ी होती थी जिसमें उसी में ही रहते थे ब्रजवासी। इसलिए सकटम अर्ध चंद्रवत, उन्हें जिधर से हवा आती है ना बैलगाड़ी को उन्होंने पूरा के पूरा ऐसे करके वहीं पर रुके थे, इसलिए उसका नाम छठीकरा बा छठीकरा वहाँ पर। इसलिए कल हम लोग उस परिक्रमा में हम लोग जाएंगे, ठीक है। इसलिए देखो अब लोग सबके सब भजन करना, हरिनाम करना, मंदिर में रोज रोज आना है, और जो मंत्र मिला है, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं है, स्वमंत्रे नामने ब्रज दुब शरणे दम्भम हित्वा अपूर्व रतिमति। ओ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते जब गुरु जी से हमें मंत्र मिला, जब गुरु जी से हमें हरिनाम मिला है, वो मंत्र नहीं, वो मंत्र रूप में ठाकुर जी हमारे पास में आए, मंत्र और ठाकुर में कोई फर्क नहीं। इसलिए नियम है जो गोपाल मंत्र हमें मिला उसको 3 संध्या में जप करनी चाहिए। अगर हमने अगर इसको कंटिन्यू 3 दिन जप नहीं करेंगे ना, उसका शक्ति धीरे 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 ह्रास होते आती है, उसका शक्ति धीरे धीरे खत्म होते आती है। इसलिए कभी भी ये मंत्र को नहीं भूलनी चाहिए, दिन में 3 बार, सवेरे 2 बार कर लेना, शाम को एक बार जो गोपाल मंत्र दीक्षा मंत्र को जरूर कर लिया करो, ठीक है ना। और ये मंत्र में इतने शक्ति, यही मंत्र अगर सही सही अगर हम जप करेंगे, जैसे गोप कुमार को भूर भूव मोह जन तप सत्य, लास्ट में उनको गोलोक वृंदावन में मंत्र पहुंचा दिया, एक दिन ये मंत्र हमें ठाकुर को पास में पहुंचा देंगे। इसलिए बोले मंत्र और स्व नाम ने गुरु जी से जो हमें हरिनाम मिला है, वो हरिनाम नहीं, हरिनाम रूप में कृष्ण हमारे पास में आए, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए वो नाम को नियमित महाप्रभु बोले संख्या पूर्वक यह जब गया सबे करिया निर्बंध, बोले ये जो हरिनाम को नियम करके, ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया तो माला थोड़ा जप कर लिया और कल इच्छा नहीं हुआ तो माला जहाँ के तहाँ लटक रहा, नहीं ऐसे नहीं। गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन माला अगर तुमने नहीं जप किया तो क्या हुआ, ये माला रूप में ठाकुर जी है, समझो दिन भर ठाकुर जी भूखे रह गए, क्या हो गए ठाकुर जी, दिन भर ठाकुर जी भूखे रह गए ठाकुर जी, क्योंकि नाम रूप में ही कृष्ण हमारे पास में नाम रूप में आए। इसलिए भोजन करने से पहले बगैर हरिनाम किए हुए भोजन नहीं करनी चाहिए, पहले भजन उसके बाद में भोजन। इसलिए और उसमें संख्या करके जितने तुम्हारी अपना घर का काम जितना है उसको देख करके संख्या करके ही रखो, जितना माला करते हो कोई 8 कोई 16 माला करते हो उसको पूरा पूरी करनी चाहिए। अगर किसी कारण से आज पूरी नहीं हुआ तो कल उसको पूरी करके फिर दूसरे दिन का माला करनी चाहिए, ठीक है ना, दूसरे दिन का माला करनी चाहिए। इसलिए माला अगर एक दिन नहीं किया ठाकुर भूखे रह गए, स्नान नहीं किया ठाकुर जी, इसलिए कभी खुद भूखे रह जाओ लेकिन माला को कभी भूखा नहीं रखो, ठीक है ना। इसलिए श्री महाप्रभु हरिदास जगन्नाथपुरी में हरिदास रहते थे, कितना नाम करते थे आपको पता है, 3 लाख, कितना 3 लाख, मतलब 64 माला में 1 लाख, और 3 बार 64 करते थे, 3 लाख माला करके सवेरे तक भोजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु रोज आते थे, उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद देते थे। अभी वो अंतिम सज्जा में लेटे हुए शरीर छोड़ने वाले,
उम्र हो गया शरीर छोड़ने वाले, अभी बिस्तरा में पड़े हुए लेटे हुए मन मन में धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु बोले हरिदास लो जगन्नाथ जी का प्रसाद लो। देखो ये कथा को ध्यान से सुनो, बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद लो। तब हरिदास ठाकुर कहते बोले प्रभु जी आज मैं प्रसाद को नहीं ले सकता हूँ। बोले क्यों, क्या बात हो गया? बोले आज मैंने जो माला में करता था, जो 3 लाख हरिनाम करता था, आज मेरी माला पूरी नहीं हो पाई, इसलिए आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूँगा। महाप्रभु कहले बोले देखो तुमने सारा जीवन 3-3 लाख हरिनाम किया, कितना किया? 3-3 लाख। अभी तो वृद्ध हो गए ना, अभी थोड़ा माला कम करो। देखो वो क्या कहते हैं, कितने महत्वपूर्ण बात कहते हैं। बोले प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान। देखो ध्यान देकर सुनो, कितने अच्छी बात, इतना इतना बात लेकर के जाओ। बोले शरीर मोर सुस्त है, बोले प्रभु मेरा शरीर चंगा है। आप कह रहे हो मैं वृद्ध हो गया, शरीर मेरा चंगा है ठीक है, लेकिन असुस्त बुद्धिमान, ये जो मान और ये जो बुद्धि है ना, ये बड़े बीमारी में पड़ गया है, ये बीमारी पड़ गई। इसलिए इसका मतलब है ये जो मन हमारा है ना इतने दुष्ट है। देखो 3-3 घंटा कोई सीरियल आए ना, सीरियल में 3-3 घंटा बैठ के देख लेगा, लेकिन बोलेगा भैया थोड़ा हरिनाम कर 10 मिनट, बोले नहीं हो सकता। यार दोस्तों के साथ में मिले ना, पता नहीं कहाँ सारा दुनिया घूम घाम करके हाँ गोल गप्पे खा कर टिकिया घगरा जाएंगे, लेकिन बोलो थोड़ा हरिनाम करो, नहीं। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते थे हैं, प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो, सवेरे उठ करके अपना जूती लो, और जूती लेकर के मन को 100 बार पीटो। कितना बार पीटो? 100 बार ये मन को पीटो। इसका मतलब क्या, ये मन को समझाओ बेटा, भगवान की भजन करो, हरि नाम करो, और लास्ट का समय में यही धन तो साथ में जाएगा, और यहाँ के सारे धन यही रह जाएगी, कोई धन साथ में काम नहीं आएगी, यही धन। और जीवन में और एक चीज को समझो, हम जीवन में जो कुछ कर रहे हैं इसका मूल उद्देश्य क्या है, दुख हटे और सुख आए, है ना? अब जितने पढ़ाई कर रहे हो, शादी शुदा करोगे, नौकरी चाकरी करोगे, इसका मूल रहस्य क्या, जीवन का दुख जाए और जीवन में सुख आए, इसलिए तो करते हो, इसलिए तो करते ना, दुख जाए सुख आए। लेकिन आप देखोगे जैसे समुद्र में लहरी आती है ना, एक दुख बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, चौथे आती जाती है, दुख खत्म नहीं होता है, दुख खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए कहते भैया खत्म क्यों नहीं हो रहे, कारण है हम भजन नहीं कर रहे। अगर जीवन में कभी जीवन का दुख जाएगी, कभी सुख आएगी ना, केवल भगवान की भजन से ही। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनु हरि भजन न भवतरिय, ये सिद्धांत अपेल हैं। उन्होंने 7 उदाहरण दिया है, हैं? देखो क्या 7 उदाहरण देते हैं। कहते आप बताओ रेती को पीसने पर तेल निकलेगा? रेती को पीसोगे तो तेल निकलेगा? नहीं। पानी को मंथन करेगा तो घी निकलेगी? नहीं। आकाश में तो कहीं फूल खिलता है? नहीं। कछुए के पीठ के ऊपर कोई बाल उगता है? नहीं। बांझ का बच्चा होता है? नहीं। खरगोश का सींग है? नहीं। बर्फ के ऊपर में कभी आग जलती है? नहीं। इसलिए उन्होंने 7 उदाहरण देकर समझाए, कभी जो असंभव कभी संभव हो जाए, भले ही रेती को पीस पीस करके तू कभी तेल निकाल ले, भले ही पानी को मंथन करते 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 घी निकाल दे, कभी असंभव है, लेकिन अगर कोई बोलता है हम भजन नहीं करते हैं, हम सुखी है, गोस्वामी जी कहते ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये सिद्धांत अपे, तब भी सुखी बनोगे जितना प्रभु का भजन करोगे, उतना ही दुखी रहोगे जितने दूर भगवान से रहोगे। रावण जैसे व्यक्ति को सुख नहीं मिला, सोने की लंका जिसकी, सुंदरी से सुंदरी, मंदोदरी जैसे सुंदरी से सुंदरी, जहां मिला उसको स्वर्ग मर्त्य में, जहां सुंदरी गंधर्व लोक में, पकड़ पकड़ कर कितने पत्नी बनाए उसने, और कितने उसके बच्चे, 1.25 लाख नाती और कितने कितने बच्चे, लखे उनके बच्चे थे मेघना, तब भी उसको शंकर जी को कहते कदा सुखी भवामि अहम, हे भोले बाबा मेरे कब सुख मिलेगा, कब मेरे को सुख मिला, बेचैन कोई चैन नहीं है। इसलिए जीवन में जो कुछ करते मूल उद्देश्य है कैसे सुख मिले, और सार शास्त्र एक ही बात कहता है,
हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर किसी को सुख नहीं मिला, सुख मिलेगा तो ये हरि नाम से मिलेगा और किसी को द्वारा नहीं, और किसी को द्वारा नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी दिन भर रघुपति राघव राजा राम पति तपाव, शंकर जी पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, माता पार्वती के हाथ में एक माला है, हैं वो भी माला जप करती हैं, सरस्वती को चार ही हाथ में एक माला, ब्रह्मा जी की चार ही हाथ में एक माला, गणेश जी माला जप करते हैं, ये सबके सब प्रभु का भजन करते हैं और कुछ नहीं। शांति मिलेगा तो इससे ही मिलेगा। इसलिए सवेरे गुरु जी कहते थे 100 काम छोड़ करके अपना भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके अपना काम धंधा करो, लेकिन करोड़ों काम को पीछे रख करके अपना भजन करो, ये गुरु जी कहते थे, क्योंकि इसी से ही तुम्हें शांति सुख मिलेगी। पृथ्वी का हर चीज को इकट्ठ कर लो, बिलगेट जैसे व्यक्ति पता नहीं कितने अरब की उसकी संपत्ति थी, नहीं सुख नहीं, सुख मिलेगा पुल हरि नाम से। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भैया भगवान का नाम को निष्ठापूर्वक सवेरे सारे काम छोड़ करके माला लेकर भजन करो, फिर दिन भर अपना काम धंधा करते रहो, जो कुछ करो हाथों में ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो, हाथ में ठाकुर का सेवा मान कर सब करो, ठीक है ना। सबके सब हरि नाम करना, भजन करना, रोज एक बार करके मंदिर आना, कथा सुनना, और इसमें ही हमें शांति सुख इसमें मिलेगा। हाँ आ जाओ चिराग आ जाओ। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी माला जपी थी जसोदा, अब मिल गया मुरली माला कोई देवाला, मिल गया मुरली माला कोई देवाला, माला जपी थी मेरा भाई, माला जपी थी मेरा भाई, अब मिल गया हरे कृष्णा। आप लोग जाते समय ना थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर जाना, आज दोपहर में कुछ माताएं प्रसाद दी थी लेकिन बहुत ज्यादा प्रसाद दे दिया, और प्रसाद बचा हुआ जाते समय थोड़ी थोड़ी प्रसाद लेकर के जाना, ठीक है। ओम अज्ञानति मिरामयस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः, इसको थोड़ा कम करो, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरु पार्वत श्री पार्श्वी महाराज जी के चरणों में बार 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 प्रणिपात करता हूँ, तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पूज्य भाई श्री नारायण प्रसाद महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ, श्रीमद महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ, एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव ने आदेश दिया कि जो ब्रज का जो ब्रज की लीला स्थली है काली देव, उस पर भगवान ने कैसे लीला करी है उस पर थोड़ा मैं कुछ बोलूं उनकी कृपा से। देखिए महाराज, अगर हम लोग ये सब साइंटिफिकली देखें तो जो कालिया दमन लीला है भगवान की, हरे कृष्णा
भगवान ने इससे क्या प्रूफ किया है? देखिए पोल्यूशन कितने प्रकार के हैं, पांच प्रकार के बोले जाते हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन है। तो भगवान ने वो कालिया मर्दन जो लीला करी है, उसका जो मान मर्दन किया है कालिया का, उससे वाटर पोल्यूशन लीला करी है भगवान ने। ये वाटर को पोल्यूटेड, जो वाटर था उसको भगवान ने बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया है। जैसे त्रिणाव्रत की लीला में भगवान ने एयर पोल्यूशन का जो है उसको हटाया है, और जो लैंड पोल्यूशन है उसको भगवान ने मृत भक्षी का लीला से, जो मिट्टी खाई है उससे हटाया है। तो देखिए श्रीमद् भागवत जी में बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, जब यमुना जी के अंदर यह विषैला कालिया नाग प्रसुद्ध हो गया तो सारा का सारा पानी जो है वह विष से युक्त हो गया। भगवान ने क्या किया, उसको विष से रहित बनाने के लिए श्री भगवान ग्वाल बालों के साथ वहां पर, भगवान श्री ग्वाल बालों के साथ वहां पर स्थित थे। तो जिस वृक्ष पे श्री भगवान चढ़कर के वहां पर कूदे हैं, उस वृक्ष पे गरुड़ अमृत को लेकर के पहुंचा था, इसलिए आज भी वह वृक्ष है। तो महाराज जब श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने जब वो वृक्ष पे चढ़े तो सारे के सारे ग्वाल बाल कहने लगे कि कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, तुझे पता नहीं है इसके अंदर जो है कालिया नाग बैठा हुआ है। तो महाराज सभी ने कहा, तो सबने भगवान को मना किया, लेकिन श्री भगवान ने क्या कहा, श्री भगवान ने कहा, ठाड़े रहियो याही ठोर मत जइयो तुम भाग, निर्मल यमुना जल करिबे को हरि ने नाथो कालिया नाग, निर्मल यमुना जल करिबे को हरि ने नाथो कालिया नाग, यही रहना तुम सब में बस आए रहा हूं। महाराज जैसे ही भगवान नीचे कूदे हैं, कूद करके इतने वेग से श्री भगवान कूदे हैं कि महाराज कई धनुषों की महाराज लंबाई ऊपर तक स्थित हो जावे, इतना ज्यादा पानी ऊपर आ गया है। तो फिर क्या, कालिया नाग चढ़ गया एकदम से, वो पानी उसकी गुफा के अंदर, जो अंदर जिस द्वीप में स्थित था वह, तो वहां तक वह पानी पहुंच गया। एकदम से कालिया नाग जागा, कालिया नाग ने कहा, अरे ये कौन आ गया है, भाग जा यहां से, भाग जा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं भागूंगा। उसने कालिया ने कहा, तू तो अभी बहुत छोटा है, तू भाग जा, अपनी मृत्यु को क्यों आमंत्रित कर रहा है। उसने कहा, अब नहीं भागूंगा। क्यों, देखो जो तू है ना, तू चिंता मत कर कालिया नाग, तुझे तो मैं डोरी बना करके वृंदावन के झूले में लटकाऊंगा। डोरी डालू नाग की वृंदावन झूले माही, नाथू कालिया नाग को मैं अब भागन को नाही। अब भागूंगा नहीं, क्यों, अगर भागूंगा तो, अरे अब भागन को नाही, भगू तो मेरे कुल में लग जाए दाग। हाँ अब भागन को नाही, भगू तो मेरे कुल में लग जाए दाग, निर्मल यमुना जल करिबे को हरि ने नाथो कालिया नाग, निर्मल यमुना जल करिबे को हरि ने नाथो कालिया नाग। महाराज हरि ने क्या किया, उसके बाद जब नाग जला जगा तो महाराज क्या हुआ, नाग ने श्री भगवान को बिल्कुल बांध लिया। हरि ने तब नाग जगायो, देवू काल क्रोध करी धायो। महाराज जी क्या किया उसने, लपेटा तन में दे लीनो, कृष्ण को उड़जन नाए दीनो। भगवान को हिलने नहीं दिया उसने, चिंतित सब ग्वाल बाल दिकीनो, सारे के सारे ग्वाल बाल चिंता में पड़ गए, देख रहे हैं कैसे कालिया नाग ने भगवान को लपेट करके कस करके महाराज बिल्कुल ही स्तब्ध कर दिया है। सारे के सारे ग्वाल बाल जो हैं वो सब नंद बाबा यशोदा के पास गए। ग्वाल बाल रोवन लगे, बाबा नंद ढिंग जाए, बाबा तेरो बारो कन्हैया दह में डूब्यो जाए। नंद यशोदा रोवन लागे, गोकुल तज यमुना तट भागे,
सकल ब्रज छाए रयो जमुना तीर सबन के भय त्रिगन ते नीर कृष्ण बिन नहीं काहू को धीर। सब रोने लग गए, कन्हैया 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 कैसे तू चला गया। महाराज सारे के सारे ब्रजवासी व्याकुल हो गए श्री भगवान को नीचे देख करके। तो फिर क्या हुआ, बाबा आनंद ढूंढन चले बलदाऊ समझाए उतमें अपनी कृष्ण ने ली नहीं देह सुकाए। महाराज बलदाऊ ने कहा देख करके नीचे, अरे कृष्ण क्यों क्यों तू सोया पड़ा है, क्या ये इतना शक्तिशाली हो गया कि तुझको परास्त करते। अगर तेरे को इतना ही नामों से खेलने की इच्छा है तो मैं हूं ना शेषनाग, तू मुझसे खेलियो। लेकिन इस समय सारे के सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, तेरे वियोग में बहुत प्राण त्यागने को हो रहा है, इसलिए तू उठ उठ करके इसको परास्त कर। महाराज जी फिर क्या किया श्री कृष्ण ने, खुलन लपेटा लग्यो नाग मुख निकसन लागो झाग। हाँ खुलन लपेटा लग्यो नाग मुख निकसन लागो झाग, निर्मल यमुना जल करीबे को हरि ने नाथ्यो कालियना। भगवान ने जैसे छोटे हुए एकदम से भगवान ने देह फुला ली, कालिया नाग के ऊपर महाराज चरण रख करके श्री भगवान उसके एक एक थर पर महाराज भगवान चरण रख रहे अपने। नागनाथ जल ऊपर आए वंशी हाथ मुख सुंदर भाए। फिर क्या ऐसा दिव्य महाराज कालिया के ऊपर श्री भगवान कैसे दिव्य दर्शन दे रहे हैं। दर्श ब्रजवासिन को दीनो नृत्य प्रति फन फन पर कीनो देख नागिन दुर्लभ जीनो। श्री भगवान एक एक नाग कालिया नाग के फन पर महाराज अपने चरणों को रख रहे हैं। जब चरणों को रखने लगे श्री भगवान तो महाराज कालिया एकदम से घबराया। जब यह घबराया तो एकदम से महाराज इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिस जिस फन को यह भगवान को मारने के लिए उठाता उसी उसी फन पर श्री भगवान चरण प्रहार करके इसके फन की गति रोक देते महाराज। और देखो कालिया के फन पर भगवान कैसे नाच रहे हैं। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया प्यारो मुरली बजैया, नाचत कन्हैया प्यारो मुरली बजैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। तांडव गति मुंडन पर नरकत बनवारी, पम 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 पद पद कत फम 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 फनिनो पर बिम 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 बिनती करत नाग वधु आरी। तांडव गति मुंडन पर नरकत बनवारी, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हूँ न जानी, चन 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 चरण धरत अभय भयो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। महाराज एक एक फन पर भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों को रखते हैं और फन की गति रोक देते हैं, उसके मुख से रुधिर की धार प्रवाहित हो जाती है, ऐसे दिव्य श्री भगवान उस पर दूर। फिर नागिन नागिन महाराज एक बार तो देख करके नागिन सोचे अच्छा है श्री भगवान इसको खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि महाराज वो कहती हैं कि जब हम कथा सुनने के लिए शेष जी अपने जेठ जी शेष जी कालिया के जेठ हैं महाराज जी, उसने कहा कि जब हम कथा सुनने के लिए जाती हैं तो ये हमें कहते हैं कहाँ गई थी सुनने के लिए कथा, कहाँ गई थी। उन्होंने कहा श्री भगवान, अरे श्री भगवान मुझसे बड़ा कोई भगवान हो सकता है, कौन भगवान है कौन भगवान है। महाराज नागिन कह रही है उसको देख ले ये वही भगवान है जिनकी मैं कथा सुनने के लिए जाती हूँ। महाराज भगवान की सारी नागिन ने देखा कि लेकिन इसके महाराज ये शरणापन्न मन ही मन में हो गया। जब अतिशय हुआ अतिक्रमण हो गया समय का तब महाराज नागिन ने प्रार्थना करी भगवान से कि प्रभु अब तो आपके चरण इस पर आपने अपने चरण पधरा दिए हैं इस पर, अब इसको क्षमा करो। क्षमा करो अपराध पति को मेरे बख्शो अब ही सुहाग। हाँ क्षमा करो अपराध पति को मेरे बख्शो अब ही सुहाग, निर्मल यमुना जल करीबे को हरि ने नाथो कालियना।
निर्मल यमुना जल करी बेको हरि ने नाथ काली नाथ। सारी की सारी नागिन बोली, प्रभु ये आपने जो इसको दंड दिया है, आपके दंड देने का विधान यह अनुपम है। रिपु सुता नाम अपितुष्ट तुष्टे, प्रभु आप धन्य हैं, इतना सुंदर दंड आपने इसको दिया है। जिन चरणों के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्र बड़े बड़े न्यायतर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले ब्रह्मऋषि राजऋषि वेदऋषि मनीषी, जिनकी जो तपस्या में अपनी सारी की सारी देह को महाराज सुखाए बैठे हैं, परंतु आपके चरण के नाखून की एक छटा का दर्शन नहीं होता उनको। आपने वह दोनों निर्मल पादांबुज आपने इसके ऊपर पधरा दिए हैं, इसकी कितनी बड़ी महिमा है प्रभु। ऐसा कहकर के जब वह धन्यात धन्य हो गया, तब नागिन ने कहा, कृष्ण जन कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। कृष्ण चंद्र नागिन समझाई कि ब्रज को जाओ रमण तुझ, महाराज रमण द्वीप को चले जाओ, तुम यहाँ पे ब्रज में मत रहना। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा, हृदय में वह उपाश्रिता, चिंता मत करो, चिंता मत करो। नाग ने कहा कि मुझे गरुड़ से भय है, तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अब मेरे चरण तुम्हारे ऊपर आपोलित हो गए हैं, तो गरुड़ तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तो गरुड़ देख करके तुम्हें प्रणाम करेगा, इस कारण से तुम चिंता मत करो महाराज। इसलिए महाराज भगवान ने चरण पधराए हैं। फिर महाराज हमारे चक्रवर्ती अन्याने टीकाकार कहते हैं हमारे श्रीपाद गौड़िया संप्रदाय से कि एक स्वरूप से तो कालियानाग रमणद्वीप में जाकर के रहने लग गया, एक स्वरूप से ठाकुर जी ने उसको वृंदावन प्रदान किया है। भगवान साक्षात इसके ऊपर बैठ करके नौका विहार करते हैं और श्री राधा रानी को देख करके भगवान रिझाते हैं कि देखो राधा रानी, ये वही कालियानाग है ना जिसको मैंने नाथा था, अब यही मेरी नौका बन करके तुम्हें आनंद प्रदान कर रहा है। महाराज जी ये दिव्य कालिया दमन लीला श्री महाराज जी के मुख से सुनी सोई आपको बता दी। जय श्री राधे। अच्छा हाँ हरे कृष्ण, क्या है? हाँ देखो ये कालियों को जहाँ भेज दिया ना वो रमण के द्वीप है। अब ये रमण के द्वीप कहाँ पर, आप लोग नाम सुने होंगे विदेश में एक जगह फिजी, नाम सुने हो वो फिजी, हम लोग जाते हैं अभी भी उनके देश में ये कालियों को पूजा करते हैं। और वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर फिजी में एक स्थान है, वो कालिया जैसे कालिया है ना ऐसे के पत्थर है, वो जो कालियों जैसे उसका रूप है और वो धीरे 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 बढ़ रहा है, वो पत्थर भी धीरे धीरे वो धीरे धीरे पत्थर बढ़ रहा है धीरे धीरे। और वहाँ पर लाख लोग आकर के अभी वहाँ पर पूजा करते हैं, वहाँ पर भारतीय लोग हैं वहाँ पर पूजा करते हैं। और वो बड़ा सुंदर का पहाड़ है, उसको ऊपर में एक चित्रकारी, वो अद्भुत है, जैसे वहाँ पर राधा रानी बैठी हुई और कृष्ण उनके चरण में बैठे, चरण में बैठी करके माना राधा रानी को मना रहे हैं, वो नेचुरल रूप में वो पहाड़ के ऊपर वो छवि अंका हुआ है, अद्भुत है। इसलिए हम लोग वहाँ जाते हैं और वहां पर हमने दर्शन किया था। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तुताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ब्रजमंडल की परिक्रमा आप लोग सुन रहे थे, दो दिन तीन दिन से जब से संकल्प हुआ है, दामोदर महीना की जो ये जो वो गुरुजी ने व्यवस्था बनाया है, सुबह दामोदर अष्टकम और शाम को परिक्रमा करता होगी। देखो मेरे को इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, चल नहीं रहे मेरे इस गलो ये अपने आप लोग आते रहना और कथा सुनना।
एक बात है, गुरुदेव कल चले जाएंगे। बोलो श्री गुरुदेव जी की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जय नवल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जय नवल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जय नवल्लभ जय गिरिवर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जापन किरण चारी जय कुंज बिहारी जय जापन किरण जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल वृंदावन में राधे राधे वासुंज में राधे गली में अपान गली में बल कुंज गली में बल राधा कुंज में श्याम कुंड में बोले राधे राधे कृष्ण बोला रंजन बोला जोश बोला अवर नाई राधे 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 Hey.
जय नित्यलीला प्रभुशशिल भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रभुश भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सब परिकर गौर हरि की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्ति देव तुलसीदेव की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मुनि जी की जय। बोले श्री सनातन धर्म की गौ माता की बड़ोत के भक्त वृंद की जय। जय श्री राधे। हाँ लोग आप लोग कल सब आना, कल हमारे नवीन प्रभु कथा सुनाएंगे, चिराग प्रभु कथा सुनाएंगे, जनार्दन प्रभु कथा, इसको कथा सुनाएंगे, इनको हम सब छोड़ कर जा रहे हैं।